गाइस वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग खेलने जा रहे हैं शैडो फाइट 2 और ये होने वाला उसका पार्ट 6। और पिछले वाले पार्ट के अंदर आपने देखा था मैंने एक्लिप्स मोड और एन्चेंटमेंट अनलॉक कर दी थी। और उसके पिछले वाले एपिसोड में मैंने देखा था कि मैंने लिंक्स को जो लिंक्स बॉडी गार्ड है उसको मैंने डिफीट किया था। और आज के इस वाले एपिसोड के अंदर हम उसी बॉडी गार्ड का जो उसका वीपन है क्लॉज वो आज हम लेने वाला है। तो मैं भी वॉइस ओवर कर रहा हूँ और मैंने बोला कि क्लॉज लेने वाला बट लेने नहीं वाला, उसका उसके लिए प्रिपरेशन करने वाला, क्योंकि भाई एक्लिप्स मोड के अंदर उसको रहना बहुत हार्ड, इसलिए आज हम प्रिपरेशन करने वाले हैं ना कि उसका क्लॉज लेने वाला है। तो फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी फालतूगिरी के। सबसे पहले हम आर्मरी के अंदर चलते हैं। आर्मरी के अंदर मैं आपको कुछ अपग्रेड तो मैंने कुछ नहीं किया। देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट वाली वीडियो में जितना अपग्रेड था उतना ही, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने ये 2-3 सर्वाइवल खेले थे और उसके अंदर मैंने 3000 रुपये को कलेक्ट किया था, 3000 रुपये को। अभी मेरा देखो लास्ट वाली वीडियो में टॉनफास था, वो भी लेवल अपग्रेड 3000 था और हेलमेट भी अपग्रेड किया था, बट अपना आर्मर बहुत ज़्यादा वीक हो रखा है क्योंकि इधर लेवल अपग्रेड 1 ही है। तो आज अब आर्मर को अपग्रेड करेंगे और इसको स्किप कर देते हैं। और अभी लेवल 2 का हो चुका है और ये तो फुली अपग्रेडेड है। देखो इसके अंदर भी इम्पॉसिबल है, इसके अंदर हार्ड हो चुका है क्योंकि मैंने थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया अपना वीपन और इसके अंदर भी हार्ड हो चुका है। तो एक काम कर लेते हैं, टूर्नामेंट खेल लेते हैं। तो इसके अंदर 3210 रुपये मिलने वाला है, तो इससे हम अपना ये अपग्रेड कर सकते हैं, अपने हेलमेट और आर्मर भी कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको 1900 रुपये मिलने, 1909 रुपये। तो उससे पहले ये वाला अब क्यों ना खेल लेते हैं टूर्नामेंट ही। और भाई सरपंड आ चुका है भाई, तो सरपंड की जगह तो मेरा सरवंट बन जा, ठीक है, फालतूगिरी नहीं। फटाफट से यहाँ पे ये रिकॉर्डर ओपन हो चुका है। ओके मिस कॉल वगैरह किसी को नहीं आना चाहिए, फ़ोन वगैरह ओके चलो ठीक है सब कुछ। एंड अभी हम टॉनफास ही है मेरे पास अभी भी। और अपना रीजनरेशन भाई स्टार्टिंग के अंदर ही मतलब मौज कर दे रहा है रीजनरेशन। और अपना रिजुवेशन भी, रिजुवेशन रीजनरेशन भाई सब मौज कर दे रहा है, स्टार्टिंग में आ चुका है। बट ये बंदा मेरी वाट लगवा रहा है, हार्ड मोड है ना इसलिए भाई ये मतलब डिफिकल्टी हार्ड है इसलिए मेरी वाट लगवा रहा है। इसके मैं कितने मार रहा हूँ, 2-2 क्रिटिकल मार रहा है बट डैमेज इतना छोटू सा ही। देखो इसने मुझे मारा क्रिटिकल, जो 2 बार मेरे मारे ना उसका डबल डैमेज इसने ले लिया। ये ले मैं इसकी, ये ले डैम है तो मारते इसने मुझे कुट डाला भाई, ये ठीक नहीं हुआ। मुझे एक्चुअली टॉनफास यूज करना आता ही नहीं है। और भाई लो मार दिया भाई, ब्रूटल स्टाइल थी अपनी, ब्रूटल आप देख सकते हो ऊपर। एंड राउंड 3 और ये होगा फाइनल राउंड। रेज इंडिशन भाई मौज, कभी मौज चल रही है अपनी तो। अरे 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 मार दिया इसने मुझे, कोई बात नहीं, ये गया। अरे अभी गया है, ये बाय बाय टाई टाई सी यू गुड बाय बाय बाय। अभी इम्पॉसिबल हो चुका है ये देखो। और इसका हार्ड है, इसके अंदर केक जोन लिया है तो इसको भी मैं खेल लेता हूँ, 1900 रुपये मिल जाएगा। वेलवेट आ चुकी है ओके। राउंड 1 ओनली किक से भाई मेरी तो, और इसके बाद तो सूर्यकांड भी है भाई और हार्ड मोड़ ऊपर से, क्योंकि हार्ड मोड इसलिए क्योंकि मैं ओनली किक है ना, वरना एक्चुअली इजी है, ठीक है समझ रहे हो तुम मतलब क्या बोलने जा रहा हूँ मैं। रीजनरेशन रिजुवेशन
और एक राउंड में जीत चुका हूँ। ये देखो माइटी किक्स भाई साहब, क्या बात है, तालियां बननी चाहिए भाई इसके लिए। अरे अरे और इसी के साथ मैं जीत चुका हूँ दो दो राउंड। पंच एंड किक, क्या होता है, पंच तो मैंने मारा ही नहीं, मैंने सिर्फ किक मारी है, पंच मारा ही नहीं है। हॉट ग्राउंड आ चुका है गाइस, और ये पता नहीं एक्चुअली होता क्या है, पहली बार ऐसे कोई चैलेंज आया क्या, स्टे ऑन ग्राउंड फॉर टू लॉन्ग इट विल काउंट एज लॉस। अच्छा समझ गया, मतलब ग्राउंड पर ज़्यादा देर हमको स्टे नहीं करना है, जंप मारना है, ठीक है हमको, तब जिससे होता क्या जंप मार गए तो आई थिंक सीन समझ नहीं आ रहा एक्चुअली मुझे, मैं बार बार जंप करते रहे ना पाँच पाँच सेकंड के ऊपर, ऐसे करूँगा मैं अभी। एंड अपना इधर आ चुका है टॉन फास्ट भाई एकदम मस्त वाला, लास्ट राउंड एक बारी कीक और कीक वगैरह ही था। ओके इधर टाइम लिखा आ रहा है हॉट ग्राउंड का, जंप किया तो टाइम रीसेट हो गया। ओके ओके समझ आ गया भाई है क्या, ये देखो ऐसे जंप किया तो टाइम रीसेट हो गया। ज़्यादातर है ना कीक यूज़ कर रहा है जंप वाला, जिससे अगर मैं मारना हो ना तो अभी मैं जंप कर जंप के साथ मार सकूँ, तो ये सीन करूँगा। देखो अभी आया जंप मार लो और ऐसे कूद डालो, और जब वो नीचे हो तब जंप मार लो, वरना वो हमको मार सकता है, नीचे नीचे गिरा देगा, फिर हम जंप नहीं मार सकते। मैं गिरा, मैं गया, मैं कहा बच गया, अरे वो गया, मेरी हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दे रहा था मैं जो हॉट ग्राउंड लिखा था ना वो टाइम था ना उस पर ध्यान दे रहा था, तो उसकी हेल्थ दे लेने के मैं उसकी हेल्थ पे दिख नहीं रहा था। अबे क्या है भाई, आधी गेम से तो मेरा कनेक्ट कर रहा हूँ गेम। ओ शिट यार तुम्हारी, अभी कुछ बोलूंगा मैं भाई, ऊपर गूगल प्ले इसलिए मैंने टाइम को ध्यान नहीं दिया, और क्या चोदी होती रहती है यार। ओके इस बार भाई जीत चुका हूँ, लास्ट टाइम फालतू गिरी गई थी, बट कोई ना। नेक्स्ट है अपना इक्विपमेंट लेवल 9, और अपना लेवल 9 का सब कुछ अपग्रेड कर दिया है मैंने, तो और अभी हम देख लेते हैं। पहले अपने पास 10,512 रुपये, मतलब बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और ये इधर है क्या, इधर ये क्या है, मेक ये सब कलेक्ट कर लो, ये फालतू चीज़ें नहीं है, गूगल प्ले ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है, और अभी मैं अपग्रेड कर सकता हूँ सारी चीज़ों को, तीनों तीन, ये भी हो गया, फिर ये भी हो गया, एंड ये भी हो चुका है, इसको भी अपग्रेड कर लेता है, फिर इधर इधर ये सब, इसको भी हो गया अपग्रेड फुल, और इसके अंदर एक अपग्रेड बाकी है आर्मर के अंदर। अच्छा आर्मर के अंदर, अच्छा आर्मर के अंदर मैंने दो ही अपग्रेड किया था, तीसरा बाकी है, तो इसके लिए 4,900 रुपये चाहिए, बट वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। इधर इंसेन है भाई, इधर इधर भी इंसेन है और इधर भी इंसेन है, क्या बोलते हो गाइस, करना है हमको इंसेन के अंदर, देखते हैं कौन आता है। मेंटिस, No one should possess such power. This competition is pointless. I will win and the secret will end with me. Okay. इनसे ना नेम पॉसिबल तो नहीं है ना, और अभी फटाफट हम फाइट करने वाले हैं मेंटिस से, और मुझे लग रहा है मेंटिस एकदम मेंटल होगा ये फालतू गिरी नहीं, फटाफट मेंटिस को हम पार्ट 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 करके मारने वाला है। बस की भाई आधी हेल्थ ले ली इसने तो, रिजुवेंशन है भाई, हेल्प कर सकते थोड़ा। फोकस 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 फोकस
Shit, you're fuck! कितना हेल्थ कम था उसका यार, fuck off! इस बार तो बेटा गया। ओ शिट, फक, ओके गाइस, तो अभी हम फाइट करने जा रहे हैं लिंच के बॉडीगार्ड रिप्ले के अंदर। तो सारे के सारे बॉडीगार्ड को रिप्ले के अंदर मारने, एक एक करके, ठीक है? मतलब हमको लास्ट तक जाना है, एक एक करके सबको मारना है। इसका नाम मैंने सिंचन कर दिया भाई, सीन है तो मैंने इसका नाम सिंचन कर दिया है भाई। हेलो सिंचन, कैसा है तू? बहुत बुरे हैं हम लोग, है ना? बहुत बुरे हैं ना तुम लोग तो। राउंड टू आ चुका है, लेट्स गो। तू भाई क्या पटका हो जाए, बस कदम क्या हो रहा है? बस रिकॉर्डिंग क्यों ओपन हो रही है? बस कदम लास्ट टाइम गूगल प्ले आ गया था। तो गाइस मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ और अभी मैंने सीन को हरा दिया है। और अभी मैं गाइस मैं ना ब्रिक को, नीडल को और गोस्ट को हराने के बाद उसको मिलता हूँ डैंडी को हराने के लिए। और उसके बाद मैं करने वाला वीडियो को एंड, क्योंकि लिंक्स को यार प्रिपरेशन करने का था। तो लिंक्स जो वीपन है नेक्स्ट वीडियो में लेने वाला है। तो ये सिर्फ मैं आपको वॉइस ओवर करके बताना चाहता था, ठीक है? वरना वीडियो यार आधे घंटे का है और आधे घंटे का मैं वीडियो नहीं अपलोड कर सकता। कर सकता हूँ बट यार टाइम लगता है। और समझ रहे हो, मतलब आप समझ रहे हो ना? इंसेन आ चुका है भाई इधर, और इंसेन के अंदर मैं भी हराने वाला हूँ। और मुझे सोच रहा हूँ कि इसको एक बार ही खेल लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, अपना फुल अपग्रेड कर लेते हैं फिर ही आगे करते हैं। इक्विपमेंट लेवल 9, लेट्स फाइट। फिर से भाई देखो, लेवल 7 और लेवल 10, ओके देखते हैं। लेवल 10 हॉक करके बंदा आ चुका है। लास्ट टाइम ट्रिक्स्टर आया था ना, इसी तरह लास्ट टाइम ट्रिक्स्टर बंदा आया था। आई ट्रैवल द लैंड सर्चिंग फॉर परफेक्ट रिवल, बट आई हैव येट टू मीट वंस, कुड यू बी आई एम लुकिंग फॉर। ओके इंसेन है, स्टोर करने चलते हैं फिर देखते हैं क्या आज कोई चीज़ हम कर सकते हैं। हैरियर रॉक्स नॉट अफोर्डेबल, और ये चीज़ ले सकते हैं, ये अच्छी चीज़ है। इसके अंदर हमको जैम्स नहीं खरीदनी पड़ेगी। और ये क्या है, ये बकचोदी नहीं बनता, हमको यही अपग्रेड करेगा आगे, यही करेगा। ये पाँच पाँच जम्प का ही है ना, जैसे ही हम ले लेते जम्प से ही। और ये हम भाई अभी ज़्यादा जम्प यूज़ नहीं करना है। और ये तो इसको तो हमको ऐसे ही जम्प से पहली बार करना पड़ता है, तो ये तो हम कर लेंगे। और ये क्या है, ओवर हीट है, और नहीं लेना अपना कौन सा था, अपना ये वाला आर्मर था, अपन इसी के साथ कंटिन्यू करने वाला है। और ये वाला जो है वो हमको एक्चुअली
ले लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऐसे करना पड़ेगा ना अपना ये, इसको हम यूज़ करते ही है। और 6 10 15 जेम्स का मैं कर लेता हूँ, इसके ज़्यादा नहीं कर सकता और ये भी मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो मुझे अभी इसके साथ जाना है, ठीक है, ये क्राइसिस है उसके साथ जाना है। बट अभी पैसा नहीं है अपने पास, तो हम अभी है ना लिंक्स का विपणी लेने वाला है। क्राइसिस के साथ हमको नहीं जाना, लिंक्स के साथ जा सकते हैं। और रॉक लेता हूँ, रॉक इज़ गुड। और हॉक है, हॉक का विपन भी हम ले सकते हैं। हरमेट जर्नी इज अ वैनिटी फेयर, इट्स मास्टर इज दैट मास्टर्स नॉट ब्रट स्ट्रेंथ माई नागिडा कुल बी योर्स इफ योर स्किलफुल नक। मतलब समझ रहे हैं तुम इसकी बात से, मतलब अब मेरा जो नागिडा है वो आप खुद तेरा हो सकता है, बट यू नीड टू बी स्किलफुल नक, मतलब आपकी जो स्किल है अब होनी चाहिए अच्छी खासी। ठीक है, तो फाइट करते हैं। और डिफिकल्टी हार्ड है, इसको मैं हार गया तो आई थिंक मैं फिर से फाइट नहीं कर सकता। बट अगर एक बार में मैंने इसको हरा लिया तो इसका मैं तलवार है जो इसका नागिन आटा है, बड़ा वाला हथियार जो कि ये वाला है भाई, वो मैं ले सकता हूँ। एंड भाई कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल, कितना ज़्यादा ऑसम बैकग्राउंड है यार। एंड लेट्स गेट का कटाना जो भी है ये सब मुझे मिल चुका है। और भाई साहब इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ, ये ला चांस डेट वेली यू डेल 200 पे मोर डैमेज ऑन योर हेड बट वुड ऑल्सो टेक 10% डैमेज डील थिन हेल्थ। ओके, समझ गया, ये 200% ज़्यादा डैमेज देगा बट 10% हमें भी डैमेज देगा इसकी एन्चेंटमेंट। ठीक है, तो इससे फ़ायदा भी है और लॉस भी है, बट कोई भाई उसने मेरी आधी हेल्थ ले ली। ओके गाइस, तो अभी हम फाइट करने वाले हैं हर्मिट के बॉडीगार्ड के साथ, ये नॉर्मल हो चुका है। और अभी मेंटिस था तो उसके साथ हम फाइट करने वाले हैं। ओके गाइस, ओके गाइस, मेंटिस के साथ फाइट करने वाले हैं अभी। ओके गाइस, मेंटिस के साथ फाइट करने वाले हैं। और भाई कैश की तेरी तो लास्ट टाइम बहुत मारा था ना तूने मुझे, मतलब इस पर भाई बहुत मारने वाला हूँ मैं इसको। लास्ट टाइम मुझे इसने कूटा था बहुत गंदा वाला, आपने देखा होगा। ये ले इस पर भी गंदा मारने वाला हूँ। वो क्या हेड हिट मारा है, एडवांसमेंट क्यों भी था वो आ क्यों नहीं रहा। अचीवमेंट क्या बोल रहे हो, वो एन्चेंटमेंट। ओके, वो बहुत किया था पर मेरी भी हेल्थ गई थी, मैंने वो देखा। और इसकी भी हेल्थ तगड़ी गई थी। ये देखो वो फिर से आया बट उसको डैमेज नहीं गया क्योंकि उसने ब्लॉक कर दिया था वो वाला हिट। इसके स्पेशल मूव देखते, स्पेशल मूव क्या है ये वाला, वो भाई सब के तगड़ा था। मार दिया भाई मैंने उसको, और मैं जीत चुका हूँ भाई। हिड माई वार्निंग्स, मैजिक हैज नो प्लेस इन मटेरियल आर्ट्स, इट हैज डर्टीज इन माई डट इज द माइंड क्लाउड द फोकस एंड इन द रॉन्ग हैंड्स इट कैन ब्रिंग डिस्ट्रक्शन एंड इज बेयर मैजिक सो हिज हर्मिट ग्रेट सीक्रेट बीवर माई एप्रिशन मैजिक इज डेंजरस एंड पावरफुल इट शुड नॉट बी यूज। अच्छा, अब जो स्टोरी थी वो बोल रही थी कि मतलब सीक्रेट है और सीक्रेट रिवील हो चुका है। वो सीक्रेट है हर्मिट के पास मैजिक है, जैसे जो मैजिक है जो हम हर्मिट के पास हरने के बाद हमको वो मैजिक मिल जाएगा जो हर्मिट के पास है। सैंसी इज राइट शैडो मैजिक, सैंसी इज राइट शैडो मैजिक इज टू डेंजरस टू अलाउ जस्ट एनी वन हैव टू इट बट यू इमेजिन वॉट यू विल बी कैपेबल ऑफ विथ सच ए पावर। वो तो बात सही है बट अभी वो यूज़ हमको सीखना पड़ेगा मैजिक कैसे यूज़ किया जाता है। इसको अभी अपग्रेड करने का टाइम आ चुका है भाई, इसको हम पूरा अपग्रेड तो नहीं कर सकते बट थोड़ा ज़्यादा अपग्रेड कर लिया और आन भर जैसा था वैसा ही है। और अभी हम करने वाले हैं इसके अंदर, देखते हैं इसका हार्ड है, फटाफट फाइट करता है। तो मैं गोश्त के साथ फाइट कर रहा हूँ
और मैंने बोला था कि डैंडी डैंडी के साथ फाइट करेंगे, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ। और गाइस मैं अभी ना वॉइस ओवर कर रहा हूँ और मैं कमेंट्री नहीं कर रहा हूँ डैंडी की पूरी फाइट में। आप अभी पूरा मैच इंजॉय करो। चलो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम कलेक्ट करने वाले लिंक्स के क्लॉज। तो चलो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सबको बाय बाय।